एंजल ब्रोकिंग में अपना फ्री डीमैट अकाउंट खोलने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे अभी क्लिक करें और अपना फ्री डीमैट अकाउंट आज ही ओपन करें। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल एमटेक स्मार्ट आइडियाज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में रिस्ट वॉच प्रिंट करना सीखेंगे, रिस्ट वॉच कैसे प्रिंट किया जाता है, रिस्ट वॉच तीन कलर में कैसे प्रिंट करेंगे, रिस्ट वॉच में बारीक मैटर कैसे प्रिंट किया जाए। दोस्तों अगर आपके पास में कभी रिस्ट वॉच प्रिंट करने के लिए आता है और बारीक मैटर है, तीन कलर में प्रिंट करना है, दो कलर में प्रिंट करना है या फिर चार कलर में प्रिंट करना है, तो उसको कैसे प्रिंट करेंगे, उसका क्या तरीका होता है, क्या फार्मूला होता है रिस्ट वॉच प्रिंट करने का। दोस्तों कलाई घड़ी प्रिंट करना बहुत ही कठिन काम होता है, अगर आपको तरीका नहीं पता होगा तो आप कभी कलाई घड़ी प्रिंट नहीं कर पाएंगे। खास करके दो तीन कलर या चार कलर में प्रिंट करने में आपको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अगर आपको रिस्ट वॉच प्रिंट करने में कोई प्रॉब्लम आती है, खास करके दो कलर तीन कलर या चार कलर में प्रिंट करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो इस वीडियो को देखकर आपकी सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो वीडियो में बने रहिए शुरू से लेकर लास्ट तक, वीडियो को देखते रहिए और सीखते रहिए कि बारीक मैटर में कलाई घड़ी कैसे प्रिंट करेंगे। दोस्तों आज सबको मैं एक जानकारी और देना चाहूंगा, अगर आप शेयर मार्केट में जाना चाहते हैं, शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हैं, तो इसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन करना होता है। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया, उस लिंक पर क्लिक करके आप बिल्कुल फ्री घर बैठे ऑनलाइन डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम रिस्ट वॉच प्रिंट करना सीखेंगे। देखिए हमारे पास में घड़ी का डायल है और इसमें हमें तीन कलर प्रिंट करना है, ये आप नज़दीक से देख सकते हैं, इसमें हमें तीन कलर में प्रिंट करना है। तो तीनों कलर प्रिंट करके मैं आपको दिखाऊंगा इसको कैसे प्रिंट करेंगे, आप देखने के लिए वीडियो में बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं और पहला कलर हम इसमें प्रिंट करना स्टार्ट करते हैं। जो पहला कलर में प्रिंट करना है उसको हम ओपन रखेंगे, बाकी को टेप से बंद कर देंगे। जो हमें पहला कलर प्रिंट करना है उसको ओपन रखेंगे, बाकी को बंद कर देंगे टेप लगाकर। आप चाहें तो इसका कलर कटिंग करा के इसका अलग से भी पॉजिटिव बटर बनवा सकते हैं। हमें सबसे पहले इसमें रेड कलर प्रिंट करना है, इनका जो लोगो है जो मैं प्रिंट कर रहा हूँ वो रेड कलर में है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर रेड कलर लूँगा और इसको मैं प्रिंट कर लूँगा। ये देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ नज़दीक से, मैंने रेड कलर प्रिंट किया, ये देखिए ये भी लोगों का हमने रेड प्रिंट किया है। तो मैं कैसे प्रिंट कर रहा हूँ आपको मैं दिखा देता हूँ, 10 पीस में प्रिंट करूँगा अभी कम से कम, तो 10 पीस में आपको प्रिंट करके दिखाऊंगा, उसे देखिए और सीखिए, उसका आइडिया लीजिए कैसे इसको प्रिंट करना होता है। इसको मैं सुखा लेता हूँ। इस तरह से पीस इसको यहाँ पर रख देना है और प्रिंट कर लेना है। और जैसा मैं प्रिंट कर रहा हूँ ठीक इसी तरह से आपको प्रिंट करना है, आप देख लेना नज़दीक से, इसी तरह से आपको प्रिंट करना है। तो इस तरह से मैंने एक कलर सब में प्रिंट कर लिया है, अब इसका मैं दूसरा कलर प्रिंट करूँगा। इसके लिए क्या करना है आपको, पहले अपना कलर उठा लेना है जो आपने प्रिंट किया है, ये कलर हटा देना है। इसका जो पहला कलर हमने प्रिंट किया है उसको मैं टेप से बंद कर दूँगा। तो इस तरह से आपको भी फॉलो करना है,
अगर तीन कलर में, दो कलर में या चार कलर में प्रिंट कर रहे हैं तो आपको पहला कलर जो प्रिंट करेंगे उसको फिर टेप से बंद कर देना है। उसके बाद हम जो दूसरा कलर प्रिंट करेंगे उसको ओपन रखेंगे और जो तीसरा कलर है उसको टेप से बंद कर देंगे। अब इसमें हम जो दूसरा कलर प्रिंट करेंगे वो पिकअप ब्लू है, मैंने पिकअप ब्लू कलर ले लिया है। आपको इसमें ये ध्यान रखना है जो आप पहला कलर प्रिंट करेंगे वो सूख जाना चाहिए, अगर गीला रहेगा तो आप प्रिंट करेंगे ख़राब हो जाएगा प्रिंटिंग आपकी, इसलिए पहला कलर आपको जो प्रिंट होगा उसको सुखा लेना बहुत ज़रूरी है। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, पहले इसको सुखा लेता हूँ फिर नज़दीक से मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देख सकते हैं आप, मैंने इसको प्रिंट किया, इसका दूसरा कलर जो है मैंने प्रिंट किया है, पहला रेड प्रिंट किया और दूसरा फिर मैंने इसमें पिकअप ब्लू प्रिंट किया है। इसको आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, कितनी साफ़ सुथरी प्रिंटिंग हुई है। ये इस तरह से आपको प्रिंट करना है, ये ट्रिक आपको फॉलो करना है। मैंने आपको एक पीस पहले दिखाया था, अब मैं पूरा प्रिंट करूंगा इसको, आप देख लीजिए। इस तरह से मैंने दूसरा कलर भी प्रिंट कर लिया है, अब इसका हम तीसरा कलर भी प्रिंट करेंगे। हमने इसमें इसका तीसरा कलर प्रिंट किया, ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो सुखा लेता हूँ थोड़ा पहले फिर आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखेंगे आप, इसको मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ इसकी प्रिंटिंग कितनी अच्छी आई है, ये आप देख सकते हैं। और आपको कैसे प्रिंट करना है इसका तरीका आपने देख लिया। इसका तीसरा कलर जो ब्लैक में प्रिंट कर रहा हूँ वो भी मैं आपको दिखाऊंगा पूरा प्रिंट करके, अभी मैं आपको एक पीस प्रिंट करके दिखा दूँ नज़दीक से। तो इस तरह से हमने तीन कलर प्रिंट कर लिया है, ये आप देखेंगे जो पहला रेड है, दूसरा फिर ब्लू है और जो तीसरा कलर प्रिंट किया वो ब्लैक है। और इसमें जो आप मैटर देखेंगे बहुत बारीक मैटर है, बहुत अच्छी क्वालिटी की प्रिंटिंग हो रही है, तो उसको आप देखते रहिए और सीखते रहिए। तो इस तरह से हमने मेटल वाली घड़ी का डायल प्रिंट कर लिया है, आपने देख लिया कैसे हमने प्रिंट किया है। उम्मीद करता हूँ आपने सीख लिया होगा घड़ी का डायल कैसे प्रिंट करते हैं, रिस्ट वॉच का डायल कैसे प्रिंट करते हैं, कलाई वाली घड़ी का डायल कैसे प्रिंट करते हैं। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए, कुछ आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, इस पर आपको पूरी हेल्प की जाएगी।
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।